की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अलवर के थाना काजी पहुंच गए हैं, जहां पर वो गैंगरेप पीड़ित से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी कल ही अलवर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो वहां नहीं जा पाए थे और अब वो गैंगरेप पीड़ित से मुलाकात करेंगे। 26 मई की घटना है, जिस पर काफी सियासत गरमाई थी और इस पर पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी, राजस्थान सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, क्योंकि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। 26 अप्रैल को ये घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने 2 मई को मामला दर्ज किया था। इसको लेकर के काफी बयान सामने आए और राजस्थान सरकार से इस्तीफा तक मांगा गया। अब कांग्रेस के अध्यक्ष थाना काजी पहुंचे हैं, जहां पर गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात करेंगे। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी रोका और उनकी योजना ये थी कि वो काले झंडे दिखा सकते हैं, इसी की आशंका के मद्देनजर उनको रोका गया। भवानी हमारे से होगी लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। भवानी, इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, राहुल गांधी की गाड़ी सामने खड़ी यार, और अब मिलने के लिए गए हैं। इस वक्त हम कुछ दूर बाद करने वाले हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। इस वक्त तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुकी है, वो बात कर रहे हैं उनके साथ में। आप चलने देते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट है, वो उनसे जानकारी लेंगे, बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आएंगे, ब्रीफ करेंगे। सबसे बड़ा जो इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का, इस बात को लेकर कि क्या इस पूरे मामले में जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि राजनीतिक लापरवाही का, उस पर वो क्या एक्शन लेते हैं। और जो पुलिस की लापरवाही है, राहुल गांधी ने कल ही रिपोर्ट ली थी कि पुलिस की जो लापरवाही थी उस पर राजस्थान। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, वापस आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।